नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे मिलने जा रहा हूँ, बातें करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये टॉपिक है केला। हाँ, हम सभी आदमी जानते हैं कि केला हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी मार्केट में इजिली केला अवेलेबल हो जाता है। खास तौर पे नॉर्थ बिहार का अगर बात करें तो हाजीपुर इसका जो है सो मेन जगह माना जाता है, मेन शहर माना जाता है। हाजीपुर केला के लिए प्रसिद्ध जगह माना जाता है बिहार में। इसके अलावा भी जो है नॉर्थ बिहार में बहुत जगह केलों की खेती की जाती है। आज मैं ये केला से संबंधित ही कुछ बातें करने जा रहा हूँ। केला में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है, उसका क्या बेनिफिट है, केला किनको खाना चाहिए किनको नहीं खाना चाहिए, इसी संबंधित मैं आपसे बातें करने का आज विचार किया हूँ और मैं उसी संबंधित कुछ बातें जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि केला में कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या मिलता है। केला में 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके अलावा आपको केला में 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है, 1 ग्राम प्रोटीन ही पाया जाता है। जबकि 0.3 ग्राम मिलीग्राम मैग्नीज, 450 मिलीग्राम पोटासियम, 34 मिलीग्राम मैग्नीज और 0.3 मिलीग्राम आयरन पाई जाती है। तो मिला जुला के हम देखें कि इसमें पोटासियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सारे कुछ पाए जाते हैं, जिसका बेनिफिट हमको मिलता है, उसे खाने से हमको जो है फायदा होता है। लेकिन शरीर के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही अगर हम डोज लेते हैं तो मेरे लिए बेहतर होता है। इसलिए कि अगर हम एक दिन में 8-10 केले, 20 केले खा ले तो उससे क्या होगा कि इन सबों की मात्रा बढ़ जाएगी मेरे शरीर में, जिसके कारण जो है सो कुछ एक्स्ट्रा दिक्कत आना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हमें एक निश्चित डोज जानकारी होनी जरूरी है। हमें डोज की बात करें तो उसमें हमें 2-3 केला ही प्रत्येक दिन खाना चाहिए। ये जो मैं आपको उस केला में मात्रा बताए हैं, आयरन का, पोटासियम का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मात्रा जो हम बताए हैं, मैग्नीज का मात्रा बताए हैं, ये सारा मात्रा मैंने सिर्फ एक केला के लिए बताया है। एक केले में इतने ग्राम ये पाए जाते हैं। अगर हम 3 केले खाते हैं तो मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। इतने प्रोटीन, इतने कार्बोहाइड्रेट, इतने मैग्नीज और इतने आयरन मैंने 3 केले से प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए कभी भी मुझे अधिक मात्रा में केला का सेवन नहीं करना है, ये जानकारी आपको होनी आवश्यक है, जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं केला के अलावा जो है, केला में जो है सो ये सब पाया जाता है, केला किनको खाना चाहिए किनको नहीं खाना चाहिए, तो मैं सर्वप्रथम बता दूं कि केला में जो है शुगर की मात्रा भी होती है और अधिक मात्रा होती है शुगर की। इसीलिए जिनको शुगर जो डायबिटीज का शिकार हो गए हैं, डायबिटीज बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें केला नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 3 ग्राम पाई जाती है प्रत्येक केला में। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने की वजह से फैट उसमें ज्यादा पाया जाता है और फैट ज्यादा होने की वजह से जो मोटे आदमी हैं, जो हेल्थ में अपने आप को फिटनेस नहीं बैठ रहा है, जो हेल्दी हैं, बहुत ज्यादा फिट नहीं अपने आप को महसूस करते हैं, उन्हें केला का सेवन नहीं करना चाहिए। दुबले पतले आदमी के लिए तो है ही, लेकिन जो मोटे आदमी हैं उन्हें अपने डाइट में केला अगर नहीं शामिल करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको तो इसमें जो है सो लो कोलेस्ट्रॉल का लेवल पाया जाता है, सोडियम लेवल लो पाया जाता है, पोटासियम लेवल हाई पाया जाता है। मैंने इससे भी पिछले वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए, मैंने चर्चा कर चुका हूँ कि पोटासियम लेवल मेरे लिए कितने इंपोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि पोटासियम का हाई लेवल आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए हमें यह जानकारी होना चाहिए कि पोटासियम का मात्रा इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। शुगर पेशेंट को नहीं लेना है। एस्नोफेलिया एक ऐसा बीमारी है जो कि आपको लंग्स को प्रभावित करता है, ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है प्रभावित करता है, आपको सांस लेने में दिक्कत जो आती है। और एस्नोफेलिया आप जब टेस्ट करवाते हैं सीबीसी, उसमें एस्नोफेलिया निकलता है। तो वैसे पेशेंट को एस्नोफेलिया अगर बढ़ा हुआ है तो आप केला का सेवन न करें, तभी अपने आप को आप सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा भी जो है तो डायबिटीज, शुगर जिनका तेज है ज्यादा है उनको भी नहीं लेना है, एस्नोफेलिया के पेशेंट को नहीं लेना है। साथ ही साथ जिनको एलर्जी है, एलर्जी की प्रॉब्लम्स आपके स्किन पर धब्बा आना या स्किन पर जो है रेडनेस आना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।